चैनल इन बी ऑलवेज ब्यूटीफुल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे फेस वॉश के बारे में, जो स्पेशली आपके ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस वाले फेस वॉश के बारे में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, ताकि आप जान पाए पूरी इन्फॉर्मेशन इस वाले फेस वॉश के बारे में। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा रिचफिल नेचुरल्स का कैलेंडुला एंटी एक्ने फेस वॉश, जो कि फॉर्मुलेटेड बाय इंडिया लीडिंग फिजिशियन है। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके काफ़ी सारे डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है एक्वा सोडियम लॉरियल एथर सल्फेट ग्लिसरीन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, और जो इसका सबसे की इंग्रीडियंट है वो है कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट परफ्यूम प्रिजर्वेशन। कैलेंडुला परफ्यूम, इसके अंदर काफ़ी सारे और भी थोड़े बहुत इंग्रीडियंट्स हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी, वहाँ जाके आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। तो जो मेन इंग्रीडियंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिया है। बात कर लेते हैं इसके कुछ ग्लैम के बारे में। ये ग्लैम करता है कि आपकी स्किन के एंटी एक्ने को, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, आपके फेस के डर्ट और डस्ट को रिमूव करता है, आपके फेस से एक्सेस ऑयल रिमूव करता है, आपके फेस के ब्लेमिशेस को कवर करता है। ये सारे इसके क्लेम जो इसने किया था वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं ये और भी सारे इसके इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये आपके फेस को एक डीप क्लिनजिंग देता है, आपके फेस से सारे डस्ट और डस्ट को रिमूव करता है। ये आपके फेस को सूदिंग कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट जेंटल एंड क्लेमिंग डीप क्लींस करता है, विजिबल रेडिएंट एंड क्लियर स्किन देता है आपको। फिजिशियन फॉर्मुलेटेड है, नेचुरल फॉर्मूला है, 100% वेजिटेरियन फॉर्मूला है, क्रुएल्टी फ्री है। ये जो प्रोडक्ट है वो 100% वेजिटेरियन है और ये फॉर्मुलेटेड बाय इंडियाज लीडिंग ब्यूटी फिजिशियन विद क्लिनिकली लेगेंसी ऑफ ओवर 30 ईयर्स। ये आपके स्किन को क्लियर बनाता है, स्मूथर बनाता है एंड रेडिएंट बनाता है। ये आपकी स्किन को स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपके स्किन को एक इंस्टेंट फ्रेशनेस देता है, ब्राइट लुक देता है आपके फेस को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये आपके फेस को जेंटली वॉश करता है, अवे इंप्यूरिटीज, मीन्स आपकी इंप्यूरिटीज को दूर रखता है, डस्ट निकालता है आपके स्किन से, डर्ट निकालता है। एक माइल्ड के साथ डीप क्लींजिंग फॉर्मूला विद ड्राई स्किन, मीन्स आपकी स्किन को एक अच्छा सा फॉर्मिंग देता है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा फॉर्म होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे स्किन के लिए। बात कर रहे हैं इसके कैलेंडुला के बारे में, कैलेंडुला जो एक्सट्रैक्ट है उसके बारे में। तो ये जो कैलेंडुला है इसकी एक फन फैक्ट है, जो कि कैलेंडुला है वो एक फ्लावर है, फ्लोरा है, जो कि कैलेंडर के हिसाब से ब्लूम होता है, मीन्स जब हमारा न्यू मून निकलता है उसी दिन ये सिर्फ मून होता है, सिर्फ एक मंथ के लिए ये मून होता है। हमारा जो न्यू मून का मंथ होता है सिर्फ उसी मंथ में ये एक बार सिर्फ ब्लूम होता है, मीन्स खिलता है, बाकी और दिन ये कभी नहीं खिलता है जो एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए हैं। द डेलिकेट येट इफेक्टिव क्वालिटी ऑफ द कैलेंडुला फ्लावर आर एसेंशियल एडिशनली टू एनी स्किन ईयरिंग फॉर ए कॉम्प्लेक्शन, मीन्स आपकी स्किन के ईयरिंग कॉम्प्लेक्शन को इनहेंस करता है विथ हार्श वेदर एंड कॉन्स्टेंट यूजेस ऑफ कॉस्मेटिक। आपके जो कॉस्मेटिक यूज करते वक्त आपकी स्किन पर जो हार्शनेस आ जाती है, मीन्स अगर आपकी स्किन पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो हम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसके और स्वेट को मिलके हमारे स्किन पर एक ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन से ये हमारे स्किन को बचाता है, जो डैमेजेस हो जाती है हमारे स्किन पर, हमारे स्किन के सेल्स में जो डैमेजेस आ जाती है उसको इम्प्रूव करता है, हमारे स्किन को बैलेंस टोन बनाए रखता है, एक्सेस ऑयल रिमूव करता है। और एक बार मैं आपको स्पेशली बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन के लिए है, इसको ड्राई स्किन वाले बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि आपकी स्किन को ओवर ड्राई बना सकती है। क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके स्किन के जितने भी ऑयल है, मीन्स एक्सेस जितने भी ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल को ये बाहर खींच के निकाल देता है और आपकी स्किन को एक ड्राई बना देता है, जिसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये आपकी स्किन से एक्ने को फाइट करता है, आपकी स्किन के डेड सेल को रिमूव करता है,
आपके स्किन के एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करता है, ब्लेमिशेस से फाइट करता है, इम्प्यूरिटीज से फाइट करता है, आपकी स्किन को स्किन के डैमेज जो ऑक्सीडेशन से डैमेज हो जाती है इसको रिड्यूस करता है, लीव स्किन लुकिंग बैलेंस्ड एंड टोन्ड, आपकी स्किन को बैलेंस्ड और टोन्ड दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये कंटेंट्स नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, इसके अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कंटेन है, कैरोटेनिड हेल्प फाइटिंग एजिंग साइन, जो इसके अंदर कैरोटेनॉइड है वो हमारी स्किन के एजिंग को फाइट करता है, मीन्स जो एजिंग साइन होती है जैसे कि रिंकल्स उससे फाइट करता है। कैलेंडुला हेल्प हीलिंग एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो कैलेंडुला होता है उसके अंदर हीलिंग एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे स्किन के एजिंग को कवर करता है और हमारी स्किन के हीलिंग को कवर करता है। जो भी हमारे स्किन पर पिंपल्स एक्ने आ जाती है उसको भी ये कवर करता है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बात कर लेते हैं इसकी यूज के बारे में, डायरेक्शन फॉर यूज के बारे में भी, मॉइस्चराइज योर फेस एंड नेक, अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ रिच फेस कैलेंडुला एंटी एक्ने फेस वॉश विद ए जेंटल मसाज। आपको सबसे पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है, वेट कर लेना है, एंड देन आपको इसका एक स्मॉल अमाउंट अपने फेस पे अप्लाई करना है इस फेस वॉश का, और फिर जेंटल मसाज करना है, और फिर आपको इसे वार्म वाटर से धो लेना है, एंड देन आपको अपने फेस को पैच ड्राई कर लेना है। आपको इसे डे में ट्वाइस यूज करना है, मीन्स यूज ट्वाइस ए डे, मीन्स आपको दिन में इसको दो बार यूज़ करना है। आपके एक्ने फ्री स्किन के लिए आपको इसे दिन में दो बार यूज़ करना होगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ये फॉर एक्सटर्नल यूज़ है, अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ आईज, मीन्स आपको इसे अपने आई से बचा के रखना है। स्टोरिंग कूल एंड डार्क प्लेस, परफॉर्म ए पैच टेस्ट बिफोर रेगुलर यूज। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, रेगुलरली यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इसे एक बार टेस्ट करना है, ताकि अगर आपकी स्किन पर कोई भी इरिटेशन होती है तो आप इसे डिसकंटिन्यू कर दीजिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिया पूरा इन्फॉर्मेशन इस वाले फेस वॉश के बारे में, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।